टैक्सी के रूप में, एक दो वाहन है तो 200-250 किलोमीटर तक जो है उस वाहन का इस्तेमाल की जा सकती है एक दिन के लिए, क्योंकि चार्टर्ड इसका होता है तो चार्टर्ड रेट्स इसमें अप्लाई होते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़्यादा लोग हैं और उनके पास कोई टैक्सी वो नहीं कर पा रहे हैं या कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जिला प्रशासन के डिमांड पे हम लोग जो है बसेस को भी जो है अवेलेबल कराते हैं, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है जो भी जहाँ के निवासी होंगे वहाँ पे वो ड्रॉप करते हैं उन चीज़ों पर। और उसी तरह से जो मान चलिए बहुत एक एक दो ही लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में और ज़्यादा लोग नहीं हैं किसी भी इस पे, तो बस भेजना कोई फिजिबल उसमें नहीं रहेगा। उसके लिए जो छोटी वाहन है उसको जो है टैक्सी के रूप में, एक दो वाहन है तो 200-250 किलोमीटर तक जो है उस वाहन का इस्तेमाल की जा सकती है एक दिन के लिए, क्योंकि चार्टर्ड इसका होता है तो चार्टर्ड रेट्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो अभी जो है संज्ञान में ये चीज़ें जब बताया गया कि ये ज़्यादा रेट्स है इस चीज़ों पर स्पेशली जो छोटे वाहन का, तो उस पर इमिडिएटली संज्ञान में लेके परिवहन निगम ने कमेटी गठित की है जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी है, ऑपरेशंस के भी है और RTO भी है। ये उस चीज़ को परीक्षण करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो उस पर निर्णय ये करेंगे कि इसमें क्या संशोधन करनी है, तदनुसार हम लोग उसको जारी करा देंगे और तदनुसार बेहतर से बेहतर सेवा जो है आम आदमी को देने के लिए कटिबद्ध है हम लोग।